नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टिक बाय एसपी में। राजस्थान संविदा कर्मी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट अभी अभी सामने आई है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा, राजस्थान के संविदा कर्मियों से जितनी भी अपडेट आएंगे सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया था कि राजस्थान में संविदा कर्मियों का नियमितीकरण प्रक्रिया कब शुरू हो रही है। आप लोग तो वीडियो बना करके थंबल पे कुछ भी लिख दे रहे हैं कि नियमितीकरण शुरू तो परमानेंट लेटर जारी। आखिर क्या है सच, मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं। प्यारे साथियों, 10,528 संविदा कर्मियों का जो है नियुक्ति लेटर की बात रही, सामने आ रही थी, कल जारी होने की पूरी संभावनाएँ थी, लेकिन आप लोगों को देखने को नहीं मिला। भजन लाल शर्मा जी ने ऐलान किया था कि जो है फरवरी लगते ही 10,528 संविदा कर्मियों का नियुक्ति लेटर जारी कर दिया जाएगा, लेकिन किसी कारणवश प्यारे साथियों आप लोगों का नियुक्ति लेटर जारी नहीं हो पाया है। तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी का जो है नियुक्ति लेटर जो जारी होगा, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर 10,528 संविदा कर्मियों का नियुक्ति लेटर जारी हो जाएगा। और जो संविदा कर्मी 1 लाख प्लस संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होना बाकी है, मैं उन सभी संविदा कर्मियों को बता देना चाहता हूँ कि 15 फरवरी तक जो है आप सभी का नियमितीकरण प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। भजन लाल शर्मा जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान करते हुए कहा है कि हर राज्य के संविदा कर्मियों का नियमितीकरण प्रक्रिया जो है फरवरी के महीने में पूरी करा ली जाए। यानी उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी में ही राजस्थान के एक एक संविदा कर्मी जिनका अनुभव 5 साल से ज़्यादा का है, वह लोगों का नियमितीकरण प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। और आप लोगों की जो सैलरी होगी वो 20,000 आप लोगों की बेसिक सैलरी होगी, साथ ही साथ आप लोगों को TA DA प्लस HRA भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार एक नीतियां बना रही है, उसमें जो रिटायरमेंट का पेंशन भी संविदा कर्मियों को मिलने को मिलेगा। तो आशा करता हूं कि फरवरी तक आप सभी को नियमित, बिहार सरकार, राजस्थान सरकार सभी संविदा कर्मियों को नियमित करेगी। यानी कई राज्यों में जो संविदा कर्मियों का नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू हुआ है, तो राजस्थान में भी संविदा कर्मियों का नियमितीकरण हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।